खिलाड़ियों का खेल जज्बा हमेशा जिंदा रहता है, तभी सुंदरवर्ती इलाकों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ये बातें कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने जब कोरिया पंचायत में 3 तोड़ा मैदान में आयोजित कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। टूर्नामेंट का उद्घाटन कर शुभारंभ मैच में शामिल नौका आहरा और लाली माटी के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। वहीं डाल्टनगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राकेश तिवारी ने मिनी ब्लास्टर आयोजन कमेटी को मंगल कामना एवं संसाधन के अभाव में बड़ा टूर्नामेंट कराने का बधाई दी। इस दौरान धूप में युवा खिलाड़ियों को खेलते देख समर्थन देखने आए सैकड़ों युवाओं को राकेश तिवारी ने शुक्रिया अदा किया। साथ ही सुंदरवर्ती इलाकों में क्रिकेट के अलावा खेल को बढ़ावा देने में हर संभव मदद कर भरोसा दिया। इस दौरान युवा समाज सेवी प्रेमी प्रकाश ठाकुर और योजनकर्ता संतेंद्र सिंह, अध्यक्ष शंकनाथ सिंह, सुमन कुमार, तरुण कुमार, शशिकांत तिवारी, विकास पांडे समेत सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद रहे। स्टार क्लब कोड़िया के अध्यक्ष हैं शशांक जी, आयोजनकर्ता सतेंद्र सिंह चेरू जी को, जो इस सदर प्रखंड जो कि सुवा कोड़िया एक सुदूरवर्ती इलाका है और इस ग्रामीण इलाका में आप समझिए कि एक खेत में कार्यक्रम कराकर युवाओं का हौसला अफजाई करते हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि बहुत ही दुख की बात है कि हमारे विधानसभा में स्टेडियम नहीं होने के कारण जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, जिनमें कुट कुट की प्रतिभा भरी हुई है, वो अपने समझिए कि अपना उनका जो प्रदर्शन है इस खेत में ही वो अपने प्रदर्शन को दिखाकर और जिला स्तरीय खासकर सुवा कोड़िया को टीम को मैं बहुत बढ़िया से जान रहा हूं, चूंकि हर क्षेत्र में ये अव्वल हैं, अपने प्रदर्शन को बहुत ही इस चिलचिलाती धूप में भी आप देख रहे होंगे कि इस तपती गर्मी से जो पीच का है, खेत का जो पीच होता है, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से गड्ढा है और घास नहीं होने के कारण जो बच्चे खेल रहे हैं वो बिना जूता चप्पल के ही खोल के खेल रहे हैं, तो आप समझिए कि कितने कष्ट से वो अपने प्रतिभा को निखार रहे हैं और खेलकर अपने खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि उनकी टीम जीत सके। हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो आगे बढ़ें और अपने प्रतिभा को राज्य स्तरीय, अपने देश स्तर तक नाम अपने पंचायत का, अपने राज्य का ये पहुंचाएं। हम लोग एक मुहिम भी लगातार, हम जहां भी जाते हैं वहां के अध्यक्ष से, वहां के आयोजनकर्ता से, मैं जरूर यह बात बोलता हूं कि जो भी खिलाड़ी हैं जिनको आपको लगता है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और उनको संसाधन नहीं होने के कारण वो नहीं खेल पा रहे हैं, हमेशा मैं कह रहा हूं कि आप हमसे जरूर संपर्क करें और हमसे जितना बन पड़ेगा उनकी अपेक्षा के अनुसार मैं जरूर खड़ा उतरूंगा। और इस सुदूर इलाके से भी मैं चाहता हूं यहां के खिलाड़ी आगे बढ़कर हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम जरूर।